लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, कांग्रेस के नेरुल ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सावंत ने आज महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लॉलीपॉप आंदोलन किया। नेरुल के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने यहां पेट्रोल डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों को लॉलीपॉप देकर मोदी सरकार के वादों को याद दिलाया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव संतोष शेट्टी और विद्या भांडेकर भी मौजूद थे। रविंद्र सावंत ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का लॉलीपॉप दिया था, वो अच्छे दिन आज कहाँ है? देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, नवीन भाई, कांग्रेस के नेरुल ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सावंत ने आज डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लॉलीपॉप आंदोलन किया। रविंद्र सावंत ने कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल पंप पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों को लॉलीपॉप देकर मोदी सरकार के अच्छे दिनों का वादा याद दिलाया। रविंद्र सावंत ने कहा कि पीएम मोदी ने महंगाई मिटाने का लॉलीपॉप दिया था, लेकिन आज डीजल 93 रुपए और पेट्रोल 102 रुपए लीटर बिक रहा है। इससे महंगाई बढ़ रही है। जनता लॉकडाउन के आर्थिक संकट में है, लेकिन मोदी राज में पेट्रोल की कीमत सोने की तरह आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर निषेध प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय आमचे महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले साहब यांनी आदेश दिला कि पूर्ण महाराष्ट्र मध्ये 11 वाजता हे पेट्रोल दर वाढी निषेधार्थ प्रत्येक पेट्रोल पंपावरती आंदोलन करायचं आहे। म्हणून आम्ही अध्यक्षांचं आदेश पाळून आमचे आदरणीय काँग्रेसचे नवीन भाईचे नेते संतोष शेट्टी साहेब आणि आमची सगळी टीम नेरुळ ब्लॉक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही प्रत्येक येणाऱ्या पेट्रोल भरणाऱ्या धारकाला, ग्राहकाला आज आम्ही मोदींचं लॉलीपॉप दिलेलं आहे। आज आपण देशामध्ये परिस्थिती वाईट, एवढी वाईट परिस्थिती आहे की लसीकरणापासून ते पेट्रोल डिझेल वाढीमुळे आणि महागाईमुळे जनता त्रस्त झाले आहे। लोक पेट्रोलचा भाव वाढला की सर्व भाजीपाला, सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची वाढ होणार आहे। जर पेट्रोलचा भाव कमी जर झाला तर जीवनावश्यक वस्तूंचा भाव कमी होईल। आज पेट्रोल वाढीमुळे, डिझेल वाढीमुळे एवढे देशा मानसिक त्रास लोकांना झाला की आपल्या गाड्या विकायला लागलेत। लोक गाड्या बंगारच्या भावात गाड्या विकतील काही दिवसांनी। म्हणजे सायकलचं जीवन, जसं मोदींना आत्मनिर्भर भारत करायचं आहे, तसं मला वाटतं पेट्रोल वाढीनंतर लोकांना हातगाडीवरतीच गाड्या घेऊन चालावं लागेल। म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा सर्व या मोदी सरकारचा निषेध करतो। वहीं वरिष्ठ काँग्रेस नेता संतोष शेट्टी ने याद दिलाया कि मनमोहन सिंह सरकार में जब पेट्रोल की कीमत 62 रुपए थी तब बीजेपी देश भर में हो हल्ला मचा रही थी, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। संतोष शेट्टी ने पीएम मोदी का आह्वान करते हुए कहा कि अगर महंगाई नहीं घटा सकते तो कुर्सी खाली करो। वहीं ब्लॉक सचिव विद्या भांडेकर ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण किचन का बजट बिगड़ गया है। जनता बच्चों की पढ़ाई और दवाई के लिए परेशान है, लेकिन संवेदनहीन सरकार जनता की मुसीबत देखने के लिए तैयार नहीं है। आज नेरुल ब्लॉक आयोजित एक कार्यक्रमाला सर्वांना माहिती आहे की दर दिवस पेट्रोल डिझेल वाढत जातात, लोकांची जीना मुश्किल झालेले आहेत। सर्वांना माहिती आहे की पेट्रोल डिझेल, डिझेल म्हणजे एक जीवन आहे। जसा हवा आहे, जसा पाणी आहे, जसा सूर्यप्रकाश आहे, इतके प्रामुख्य डिझेलला असतो। डिझेलमुळे सुईपासून एरोप्लेनपर्यंतची भाव वाढतात। आज इतके महागाई वाढलेले आहेत डिझेल पेट्रोलमुळे। आपल्याला माहिती असेल जेव्हा 62 रुपये पेट्रोल होता, डिझेल होता, त्यावेळेला त्यांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत होता, बदनामी करत होता, मनमोहन सिंग सरकारची बदनामी करत होता। आज 100 वर गेलेले आहेत, त्यांना लाज वाटलं पाहिजेत मोदी साहेबांना। हे लोकांना, जनतेला भेटीत धरणं काम मोदी सरकारने अलावा। आज काँग्रेसतर्फे आम्ही पेट्रोल भरले तर त्यांना लॉलीपॉप दिलेले आहेत, मोदी साहेबांची लॉलीपॉप। मोदीजी, आता तरी लाज घ्या। फक्त दाढी वाढल्यानंतर देशाची प्रगती होत नाही आहे, देशाची बर्बादी करणं बंद करा। तुम्हाला होत नसेल राजीनामा द्या,
बरखास्त करा, तुमची ताकद असेल घ्या इलेक्शन, माहिती पडेल दूध च्या दूध पाणी च्या पाणी। प्रत्येक वस्तूंचे भाव वाढले आहे, भाजीपालापासून दुधापासून तर सगळ्या गोष्टींचे, त्यामुळे महिलांना घर चालवणं खूप कठीण जातं। ज्यावेळेस काँग्रेस सरकार होती त्यावेळेस पेट्रोल डिझेल इंधन दरवाढ 75% आसपास होती आणि सिलेंडरचे भावही 350 रुपये होते। आणि मोदी सरकार जसं आलेलं आहे तसं त्यांनी लोकांना लॉलीपॉपच दिलेला आहे। ह्या जे इंधन दरवाढ झालेली आहे त्याच्यामुळे महिलांना खूप आर्थिक नुकसान होते आणि त्यांना खूप कष्टातून संसार चालवावा लागतोय। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।